दोस्तों मैं आपको बताने जा रहा हूँ तीन लैपटॉप्स के बारे में जो कि 14,000 की रेंज में आते हैं, जो आप अपने डेली यूसेज प्लस नॉर्मल वीडियो एडिटिंग्स एंड प्लस थोड़ी बहुत गेमिंग के लिए काफ़ी अच्छे लैपटॉप्स हैं। तो दोस्तों बिना वेट किए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों मेरा पहला लैपटॉप है Asus VivoBook 14। इसकी क्विक स्पेसिफिकेशन की बात करूँ तो इसमें आपको इंटेल का पेंटिनम सिल्वर N5030 प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा, 4 GB की रैम देखने को मिल जाती है। स्टोरेज की बात करूँ तो 1 TB की SSD देखने को मिल जाएगी। हार्ड डिस्क है जो कि 5500 RPM सपोर्ट करती है। डिस्प्ले 14 इंच का आपको देखने को मिल जाएगा, FSD डिस्प्ले। डिजाइन की बात करूँ तो 23.1 mm का थीन बॉडी आपको देखने को मिल जाएगा और लैपटॉप वेट काफी स्लिम है। 1.60 kg का लैपटॉप वेट इसका है। और कीबोर्ड की बात करूँ तो फुल साइज चिकलेट कीबोर्ड देखने को मिल जाएगा। इसका कीबोर्ड काफी हद तक बहुत अच्छा है और इसमें टच पैड में गेस्चर सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है, जो कि काफी अच्छी बात है। बॉडी की बात करूँ तो इसमें मैट ग्लॉस टेक्सचर देखने को मिल जाता है और काफी लाइट वेट है जो कि 1.6 kg का है और 23.1 mm थीन भी है। और इसमें काफी थीन बेजल्स देखने को मिल जाते हैं, साथ ही में इसमें वेब कैमरा का सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है जो कि लाइव क्लासेस में काम आ सकता है आपको। पोर्ट्स की बात करूँ तो इसमें टोटल 3 USB पोर्ट्स देखने को मिल जाते हैं और 1 HDMI पोर्ट और 1 Type-C पोर्ट प्लस आपको SD कार्ड रीडर एंड ऑडियो जैक का पोर्ट्स भी देखने को मिल जाता है। मैं ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात करूँ तो ये लैपटॉप बहुत ही अच्छा ऑप्शन है अगर आपको डे टू डे वर्किंग करना है या फिर आपको ऑफिस वर्क के लिए यूज करना है या आपको अपने बच्चों के लिए लेना है हो तो बेस्ट लैपटॉप है। अगर आपको और ज्यादा स्पीड चाहिए तो उसमें SSD का स्लॉट दिया गया है जो कि आप SSD लगाकर उसकी स्पीड 4 गुनी हो जाती है। SSD आप स्लॉट लगा सकते हैं तो ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। दोस्तों मेरा दूसरा लैपटॉप है लिनोवो का आइडिया पैड स्लिम 3i जो कि काफी लाइट वेट है। आसूस से भी 1.5 kg का लैपटॉप है ये, जिसमें विंडोज 10 होम प्री इंस्टॉल लाइसेंस वर्जन देखने को मिल जाता है और इसमें इंटेल i3 का प्रोसेसर प्लस MS Office प्री इंस्टॉल देखने को मिल जाएगा। और रैम की बात करूँ तो 4 GB DDR4 रैम देखने को मिल जाएगा। इंटेल का इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स देखने को मिल जाएगा और इसमें 256 GB की SSD के साथ आता है ये लैपटॉप। और बैटरी की बात करूँ तो 35 Wh लिथियम बैटरी विथ 7.5 आवर्स बैटरी लाइफ सपोर्ट करती है। डिस्प्ले की बात करूँ तो 14 इंच का FSD डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा विथ एंटी ग्लेयर टेक्नोलॉजी के साथ और काफ़ी नैरो बेजल्स देखने को मिल जाते हैं। प्लस इसमें 1.5 वॉट का डुअल स्पीकर्स है जो कि डॉल्बी ऑडियो सपोर्टेड है। पोर्ट्स की बात करूँ तो टोटल 3 USB पोर्ट्स है देखने को मिल जाते हैं प्लस 1 HDMI पोर्ट प्लस 1 SD कार्ड रीडर एंड ऑडियो जैक का भी पोर्ट है इसमें। ये 1 ईयर वारंटी के साथ आता है और आप इसे खरीद सकते हैं थ्रू डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग अमेजोन से। मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। दोस्तों अब तीसरे लैपटॉप की बात करते हैं। मेरा जो तीसरा लैपटॉप है वो HP का EQ1042AU मॉडल है। क्विक स्पेक्स की बात करूँ तो इसमें 2.6 GHz का AMD Ryzen 3 का प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा, 4 GB DDR4 रैम देखने को मिल जाएगी, 512 GB की SSD आपको देखने को मिल जाएगी जो कि काफी अच्छी बात है, 13.6 इंच की स्क्रीन है और AMD Radeon ग्राफिक्स देखने को मिल जाएगा। विंडोज 10 होम इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम है इसका और 1.69 kg का लैपटॉप है ये। एक काफी हद तक ये बहुत अच्छा लैपटॉप है जिसमें Ryzen 3 प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। पोर्ट्स की बात करूँ तो इसमें 2 USB पोर्ट्स एंड 1 HDMI पोर्ट प्लस 1 ऑडियो आउटपुट पोर्ट एंड 1 ईथरनेट पोर्ट देखने को मिल जाते हैं। ये लैपटॉप बेस्ट है ओवरऑल परफॉर्मेंस में देखा जाए तो, क्योंकि इंटेल i3 लैपटॉप्स आते हैं उसके टक्कर में ये Ryzen 3 प्रोसेसर इसमें देखने को मिल जाता है और प्लस SSD के कारण इसका परफॉर्मेंस और ज्यादा अच्छा देखने को मिल जाता है। मैं प्राइस की बात करूँ तो लिनोवो का आपका ये लैपटॉप 35,000 का है और आसूस का आपको 30,000 में देखने को मिल जाएगा और HP का 38,600 में देखने को मिल जाएगा। बाकी पर्सनल ओपिनियन की बात करूँ तो आपको अगर नॉर्मल डे टू डे वर्क करना है, नॉर्मल यूसेज के लिए लेना है, स्टूडेंट वर्क और ऑफिस वर्क के लिए मैं रिकमेंड करूंगा आसूस एंड लिनोवो को। बट इफ आपको थोड़ा एडिटिंग वगैरह नॉर्मल प्लस आपको कुछ गेमिंग वगैरह करना है तो Ryzen 3 वाला लैपटॉप जो कि HP का है
वो आपको रिकमेंड करूंगा। मैंने इन सब लैपटॉप्स की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप वहां जाके ले सकते हैं। और एक चीज आपको बता दूं कि कभी कभी लिंक पे ये अवेलेबल नहीं रहते हैं लैपटॉप्स ड्यू टू आउट ऑफ स्टॉक, सो आप उसे कुछ दिन बाद चेक करके ले सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे हम ऐसे वीडियोस लेते आते रहेंगे। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।